स्टोक्स लॉ क्या कहता है? यदि कोई छोटा स्फेरिकल बॉडी यानी कि गोलाकार बॉडी बंदर से भरी हुई ये एक लिक्विड कॉलम में अगर गिरती है या गिराई जाती है तो कुछ समय बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कह रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जब ये छोटा स्फेरिकल जो बॉडी है वो इस लिक्विड कॉलम में जाएगी किसी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, तो एक विस्कस फोर्स उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा। तो उस विस्कस फोर्स को हम देंगे एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यही स्टोक्स लॉ है। आर इसमें है रेडियस उस बॉडी का, वी आपका है टर्मिनल वेलोसिटी, ईटा आपका है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो उसकी संख्या ये है, इसको हम बहुत यूज करने वाले हैं जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस 2/9 r2। यहाँ पर ये आपका डेंसिटी है बॉडी की या डेंसिटी है लिक्विड की, जी आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ईटा आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उस लिक्विड की है। अब इसमें रो और रो जीरो दो चीज आ गई। अगर आपका रो और रो जीरो, रो रो जीरो से बड़ा है तो बॉडी डाउनवर्ड जाएगी, अगर रो जीरो बड़ा है रो से तो बॉडी अपवर्ड जाएगी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से। अगर रो जीरो बहुत 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 छोटा है रो से तो जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी 2 r2। बल्कि बल्कि यही चीज ले लीजिए क्योंकि हम इसको हटा देंगे, ये मैं कह रहा हूँ ये बहुत छोटी है, इन दोनों का कंपेरिजन हो रहा है इन दोनों का, तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो केवल यही इक्वेशन बन जाएगी। बस इसको हटा के जो इक्वेशन बनेगी वही आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। यही है स्टोक्स लॉ। अब इंपॉर्टेंस क्या है स्टोक्स लॉ की? देखिए पहली चीज तो ये है कि कुछ किसी की जो जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम हुए उसमें इसका उपयोग होता है, या ये यही चीज इसमें काम आती है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डिटर्मिनेशन देखें मिलिकन से, उनके जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था वो कहाँ से आया था? स्टोक्स लॉ से। ये लॉ बड़ा मदद करता है, जैसे आप पैराशूट से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो क्लाउड बन रहे हैं सुंदर, जो आपके क्लाउड आप ऊपर देखते हैं जो बादल बन रहे हैं वो कहाँ से बनते हैं? स्टोक्स लॉ से।